1609 में गैलीलियो ने दुनिया की पहली दूरबीन से आकाश को देखा था और आज 400 साल बाद हम अंतरिक्ष को एक नए तरीके से देखने के बहुत ही करीब हैं। और यह सब गुरुत्वाकर्षण तरंगों की मदद से ही संभव है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे 100 साल पहले आइंस्टाइन द्वारा दिए गए व्यापक सापेक्षतावाद के सिद्धांत यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। और इस फिल्म में हम आपको गुरुत्वाकर्षण तरंगों के पीछे की मूल अवधारणा, मौजूदा विकास क्रम और खासकर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए योगदानों के बारे में बताएंगे। मार्च 1944 में आइंस्टाइन ने चुटकी लेते हुए कहा था कि ऐसा क्यों है कि लोग मुझे पसंद तो करते हैं, यानी मुझे लाइक तो करते हैं, लेकिन समझते नहीं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्षेत्र बहुत ही जटिल और अवास्तविक है, लेकिन यह इतना व्यापक हो चुका है कि आज यह 2.5 अरब लोगों के हाथों में GPS स्मार्टफोन के रूप में मौजूद है। तो इसलिए अगली बार आप जब भी अपने दोस्त के पास पहुंचने के लिए अपने फोन से मैप का इस्तेमाल करें, तो यह याद रखें कि यह सब आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सटीकता के कारण ही संभव हो पाया है। और हाँ, आइंस्टाइन ने यह भी कहा था कि धीरे चलने से वजन घटता है, तो जिम के चक्कर लगाने के बजाय हमें क्या करना होगा, बहुत ही धीरे चलना होगा। तो चलिए इसकी और भी गहराई में जाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक तना हुआ चौकोर खानों वाला कपड़े का एक टुकड़ा है। जब इस पर एक भारी गेंद रखी जाती है तो यह कपड़ा गेंद के साथ नीचे झुक जाता है। और अब अगर एक हल्की सी गेंद इस पर बहुत ही तेजी से फेंकें, तो कपड़े के झुकाव के कारण यह हल्की गेंद भारी गेंद के चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। और यही वजह है कि पृथ्वी भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। यह खींचा हुआ कपड़ा ब्रह्मांड के 4 आयामों वाले स्थल काल यानी स्पेस टाइम के समान है और गुरुत्व कपड़े का झुकाव है। अब जिस प्रकार एक घूमता हुआ आवेशित कण अपनी ऊर्जा दृश्य या अदृश्य प्रकाश के रूप में निकालता है, ठीक उसी प्रकार एक दूसरे का चक्कर लगाती हुई वस्तुएं भी ऊर्जा निकालती हैं। यह ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में निकलती हैं। स्थल काल में ये लहरें नदी या तालाब की सतह पर जल तरंगों की जैसी ही होती हैं। आहा, और यदि हम इन तरंगों को देख सकें या सुन सकें और या उनके स्रोत का पता लगा सकें, तो हम ब्रह्मांड को एक नई नजर से देख सकेंगे, जो कि एक अभूतपूर्व अनुभव होगा। तो अगली बार जब आप अपने दोस्त का हाथ पकड़कर फिरकी लगाएंगे, तो यह याद रखिएगा कि आप भी गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न कर रहे हैं। और चूंकि आप ऊर्जा निकाल रहे हैं, कुछ ही समय बाद आप एक दूसरे से टकरा जाएंगे। लेकिन इस तरह के टकराव को होने में लाखों साल लग जाएंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तरंगे जो आप निकालेंगे वो बहुत ही कमजोर होंगी। और इस परिस्थिति में उस टकराव से बहुत पहले ही कुछ ही मिनटों में आप चक्कर खाकर गिर जाएंगे। आपके द्रव्यमान से संबंधित होने के कारण ये तरंगे बहुत ही कमजोर होती हैं और इसीलिए इनकी खोज एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं या दो बड़े तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, तब उनसे उत्पन्न हुई तरंगे काफी ताकतवर हो जाती हैं, जिनको देख पाना संभव हो जाता है। और इन तरंगों की मदद से स्टार ट्रेक की भाषा में हम वो देख पाएंगे जिसे किसी भी इंसान ने पहले कभी नहीं देखा है। परंतु इन ताकतवर तरंगों को भी खोजने के लिए हमें बहुत बड़े और जटिल डिटेक्टरों की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें करीब 10^-18 मीटर की दूरी या विस्थापन को नापना होता है, और यह दूरी एक परमाणु के नाभिक से भी छोटी होती है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों द्वारा उत्पन्न इस तरह के विस्थापन छोटे होने के कारण इन डिटेक्टरों से हमें जो डेटा मिलता है वो निम्न गुणवत्ता के होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत नॉइज होता है, जैसे कि भूकंप, उड़ता हुआ एरोप्लेन, ट्रैफिक नॉइज और यहाँ तक कि पास के स्कूल में बच्चों का शोर भी डेटा को खराब कर सकता है। इसीलिए डेटा में से शुद्ध गुरुत्वाकर्षण तरंगों को निकालने के लिए हमें बहुत ही तेज और उपयुक्त तकनीकों की जरूरत है, और यहीं पर हमारे भारतीय वैज्ञानिक आते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों को खोजने की तकनीक आयुका के वैज्ञानिकों ने ही विकसित की, जो आज भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। डेटा में से गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पहचानने के लिए तरंगों के फेज की सटीक जानकारी होनी चाहिए, और यह जानकारी रामन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने दी। भारतीय वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान के क्षेत्र में कई अन्य महत्वपूर्ण योगदान भी दिए हैं, जैसे ब्लैक होल्स की समझ विकसित करने में, अज्ञात स्रोत को देखने और समझने में, डिटेक्टरों की जटिलता और उनके नॉइज को कम करने में, और दूरबीनों की मदद से गुरुत्वाकर्षण तरंगों के स्रोत की पहचान करने में।
हम अभी तक गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन लेजर पर आधारित डिटेक्टर यानी लाइगो की मदद से हम इस खोज के बहुत ही करीब हैं। ये दो डिटेक्टर 3000 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका के दो शहरों पर बनाए गए हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के क्षेत्र में अविस्मरणीय घटना तब होगी जब हम इनसे उत्पन्न होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी देख लेंगे। अब इन तरंगों के स्रोत का सटीक पता लगाने के लिए हमें इन उपकरणों को बहुत दूर दूर स्थापित करने की जरूरत है। त्रिकोणीय संरचना में दूर दूर रखे इन तीन डिटेक्टरों की मदद से सटीक जानकारी प्राप्त कर हम आकाश में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के स्रोत का पता लगा सकते हैं और फिर अन्य दूरबीनों की सहायता से इन स्रोतों का अनुसरण करके उनकी गतिविधियों को भी जान सकते हैं। भारत अमेरिका के दूसरे छोर पर है, तो अगर भारत में हम एक लाइगो डिटेक्टर बनाते हैं तो हम गुरुत्वाकर्षण तरंगों के स्रोत की स्थिति का 10 गुना बेहतर आकलन कर सकते हैं। इस तरह आज हम खगोल विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर हैं, जहां भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के मौलिक सिद्धांत और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद के साथ साथ नए डिटेक्टर के लिए अनुकूल भौगोलिक स्थिति होने के कारण भारत मौलिक खोजों को करने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। ये हमें ब्रह्मांड को एक नए नजरिए से देखने में कारगर साबित होंगे। हम आशा करते हैं कि जल्द ही यह विशाल परियोजना शुरू होगी, जो कि अनेक भारतीय वैज्ञानिकों और नौजवानों को आगे आकर एक साथ काम करने का मंच प्रदान करेगी।